एवरीवन, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू सीजन 4। जैसे कि आप सब लोग इस बात से अच्छे से वाकिफ हैं कि बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है और हमें इस बात के लिए बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना है। देयर आर सम क्वेश्चंस इन एवरीबॉडीज माइंड, स्पेशली इन पेरेंट्स। दे डोंट बॉदर कि बच्चों ने कैसा कर रहे हैं या कर भी पा रहे हैं कि नहीं, उससे ज़्यादा टेंशन पेरेंट्स को होती है। तो मैं यहाँ पर पेरेंट्स एज वेल स्टूडेंट्स की थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। अब बात यह है कि हम पूरा साल स्कूल भी जा चुके हैं, हमने हर सब्जेक्ट की क्लासेस भी ले ली, तो अब क्या करें कि हम स्कोर भी अच्छा कर जाए और हमारी टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से हो जाए। आर्ट ऑफ रिवीजन का फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं देता, आपको साथ में देता है टाइम मैनेजमेंट, आपको देता है टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ लार्ज क्वेश्चंस करने का तरीका और ऑन टाइम आपके पेपर खत्म होने के लिए कौन से टॉपिक्स बहुत ज़रूरी हैं। इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ हमारे लिए जाननी बहुत ज़रूरी है कि इस बार से CBSE बोर्ड में एग्ज़ाम्स का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। वो जो चेंज हुआ है उसमें एडिशन आया है 20 मार्क्स के MCQs का। इट्स अ बिग डील। सोचने वाली बात यह है कि हर चैप्टर में से अगर 15 पेपर का पेज का चैप्टर है और उसमें से निकलने वाले 200 अगर निकल आए MCQs, तो हम कितने चैप्टर्स की करेंगे। तो यहाँ पर आकर मैं आपको एक ऐसा कीवर्ड देने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। फर्स्ट वर्ड, दैट इज कंसंट्रेशन। इट्स बेटर यू गो विद द लार्ज क्वेश्चंस। अगर आप जितने लार्ज क्वेश्चंस कर लेते हैं, लॉन्ग आंसर्स कर लेते हैं, उसमें आप बहुत सारी डेट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और बहुत सारे पर्सनैलिटीज को याद कर जाते हैं जो आपके लिए हेल्प करती हैं MCQs को कवर करने में। अब हमारा पहला टॉपिक आता है उसको लेकर कि सैम्पल पेपर्स भी सारे पढ़ जाएं। जी, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि किसी भी लेवल पर सैम्पल पेपर्स की इम्पॉर्टेंस ख़त्म नहीं होती। एक पिछले साल का एनालिसिस मैंने दिया था पॉलिटिकल साइंस का, उस टाइम पर भी मैंने यही बात की थी कि हमारे बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि 1 marker, 2 marker, 4 marker एज वेल 6 and 8 markers भी आ जाते हैं। तो हमारे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और हमें सैम्पल पेपर्स में से उसमें क्या देखना है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, हमें क्वेश्चन की फॉर्म्स, क्वेश्चन की लेंथ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है। चाहे हम पूरी NCERT में से ही पढ़ें, लेकिन सैम्पल पेपर्स हमें हेल्प करते हैं क्वेश्चन की फॉर्म को अंडरस्टैंड करने में, तो उसके यूज़ को हम रखेंगे अपने साथ। अब पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि रिवाइज करते समय खास तौर पर किन पर्टिकुलर टॉपिक्स को लिया जाए। तो आप इस बात को मानिए कि CBSE की जितनी भी बुक्स हैं NCERT की, उन सभी बुक्स में सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। इट्स ओनली अ वे कि हर बार बोर्ड में एक पर्टिकुलर टॉपिक की जगह उसी चैप्टर का कोई दूसरा टॉपिक दे दिया जाता है। चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस को हम कम नहीं कर सकते। वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर्स के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि हमारे लिए हिस्ट्री में हमारा लास्ट चैप्टर बात कर रहा है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम अच्छे से जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अ बुक टू अस, इट्स अ गीता फॉर अस। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें अमेंड होती चली जा रही हैं। एक रीसेंट डेवलपमेंट में अमेंडमेंट हमारे सामने आया है J&K का, जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। तो ये सिर्फ रीसेंट डेवलपमेंट नहीं है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की एक मेन अमेंडमेंट के तरीके से MCQ में आ सकता है और सिग्निफिकेंस इसकी पूछी जा सकती है। सो प्रिपेयर वेल फॉर दैट ऑल्सो। नाउ आई पर्सनली थिंक कि बेटर रहेगा कि मैं हिस्ट्री का आपके साथ पूरा डिस्कशन करते समय चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताते चली जाऊँ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है बोन्स, बीड्स एंड ब्रिक्स। सो इट इज़ अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन करते समय ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर आपने अपने रेगुलर स्कूल डेज में एक अच्छा सा वेब चार्ट और फ्लो चार्ट बना रखा है तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि उसमें चार टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन टाउन प्लानिंग, सेकेंड इज रिलेटेड टू बुरियल्स एंड थर्ड इज रिलेटेड टू वेइंग स्क्रिप्ट्स एंड अदर थिंग्स एंड फोर्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इट, वॉट वॉज द रीजन अबाउट डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब कहने की बात लगती है कि ये चार ही तो टॉपिक है, बट बिलीव इट, ये चारों टॉपिक्स आपके कवर करेंगे 1 marker, 2 marker, 4 marker एज वेल सोर्स क्वेश्चन और 8 marker। अगर आप टाउन प्लानिंग का क्वेश्चन बहुत अच्छे से करते हैं तो अपर सिटाडल, लोअर टाउन, ड्रेनेज सिस्टम एज वेल एज द रोड कंस्ट्रक्शन,
these all topics will be covered. And if these questions are coming into two markers, you have good information with you to perform there also. And if you have a large question for 8 marker, you have to put all this information in it. Like one question is there about art and craft ke liye material kahan se procure hota hai. तो हमें लोथर और कालीबंगा का बहुत अच्छे से पता है. हम क्या करते हैं, वो दो पर्टिकुलर साइट्स हम याद रखते हैं. वो सिर्फ 2 marker में नहीं, 1 marker में भी हेल्प करेगी. एज वेल एज अगर मेरे मैप में आ जाता है आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोक्योरर कहाँ से हो रहा है, तो लोथल से हो रहा है. तो आपके 3-4 टॉपिक्स उसमें कवर हो जाते हैं. इसी तरह हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वेज. हमें अच्छे से पता है जॉन मार्शल की रिपोर्ट, कनिंघम का कन्फ्यूजन और इंडियन डिफरेंट स्कॉलर्स ने किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की बात की है और किन प्रूफ्स को इस्तेमाल किया है, तो वो हमें बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा. सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. 6th century BC से 6th century CE तक के वैदिक एज को प्लस राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को ये कवर करते हैं. तो हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि 6th century BC से 6th century CE तक सेकेंड और थर्ड टीम में जनपदास, महाजनपदास का राइज, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, देयर रेवेन्यू कलेक्शन एंड एग्रीकल्चरल पॉलिसी, देन द रोल ऑफ वुमेन एज वेल एज द रोल ऑफ किंग. एंड वी लर्न इट वेरी वेल महाभारता, डिफरेंट वेदास, सुक्तीस एंड प्रशस्ति पत्रास, दीज आर द डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस एंड सोर्सेज विच आर गिविंग हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. हाँ, देयर आर वन इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कमिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज अबाउट अशोका एंड धम्मा. तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ भी हेल्प करेगा एज वेल एज ये आपको थीम 4 में भी हेल्प करता है जब वहां पर हम राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म करते हैं. इन टॉपिक्स को करते समय जो इंपॉर्टेंट हमारे पास सोर्सेज है या जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद इटैलिक वर्ड्स, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंतज्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अग्रहारा, दीज आर द पर्टिकुलर डेफिनेशंस विच आर गिविंग देयर इन योर CBSE बुक्स. अगर आपने पूरे साल बहुत अच्छे से किया है तो आप इन टॉपिक्स को 1 marker में 2 marker में अच्छे से कर जाएंगे. 4th टॉपिक रिलेट करता है राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. इट्स नॉट ओनली अबाउट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म राइज, इट्स अबाउट द चैलेंज टूवर्ड्स द ब्रह्मानिकल यूनिट विच वॉज ऑल्सो देयर फ्रॉम लॉन्ग पीरियड. तो हमें वहां पर ये देखना है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज के रीजन्स क्या थे, उनकी टीचिंग्स या उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे जो ब्राह्मण टेक्सचर से बिल्कुल डिफरेंट है. ब्रह्मानिकल अप्रोच में हमें शैविज्म और वैश्वनिज्म की अप्रोच भी दिखाई देती है, तो हमें उसका आर्किटेक्चर भी अच्छे से समझना पड़ेगा, हमें स्तूपास के बारे में भी अच्छे से समझना पड़ेगा, हमें कंपैरिजन भी करना पड़ेगा. सो दीज आर द टिपिकल टॉपिक्स ऑफ बुक 1 विच यू कैन गो अहेड एंड यू कैन डू इट वेल. सेकेंड बुक हमारी डील करती है मेडिवल इंडिया से, दैट इज रिलेटेड विद दिल्ली सल्तनत पीरियड एंड मुगल एम्पायर पीरियड. सीधी सी बात है, इट वॉज द पीरियड वेन नॉट ओनली द आर्कोलॉजिकल सर्विस, अदरवाइज वी गॉट मेनी ऑफ द इंस्क्रिप्शंस एंड क्रॉनिकल्स ऑफ दीज पीरियड्स. तो इनको करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारे वो कौन से सोर्सेज हैं जो डील करते हैं इन टॉपिक्स में. जैसे थीम 5, मेडिवल ट्रेवलर्स, अब अलबरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर 300-300 सालों के गैप में आए, और उन 300-300 सालों के गैप में कास्ट सिस्टम, सती सिस्टम, या हमारा दिल्ली का जो सिस्टम था वो कैसे चल रहा था, कारखानास क्या थे, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ये तीनों ट्रेवलर्स देते हैं. मुगल आर्मी का क्या रोल था, विमेन कैसे रोल प्ले कर रही थी, दिल्ली वॉज द मेन सिटी, उसका क्या रोल था. ये तीनों टॉपिक्स अगर आप पूरे पूरे कर जाते हैं, फिर इसमें से चाहे कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आए, लॉन्ग क्वेश्चन आए या सोर्स आए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली. देन वी हैव वन टॉपिक, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट. दिस इज अगेन रिलेटेड टू इन अबाउट दी इंफॉर्मेशन विच वी हैव ऑलरेडी इन एंशियंट पीरियड, कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज के पीछे रीजन ये था कि ब्रह्मानिकल स्ट्रक्चर में ट्रेडिशंस और सेक्रीफाइसेस लोगों को परेशान कर रहे थे. उसी तरीके से भक्ति एंड सूफी मूवमेंट एक ऐसी धारा थी जो पर्टिकुलर कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम से हट कर आई. भक्ति मूवमेंट था वो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड था, और सूफी मूवमेंट जो थी दैट वॉज रिलेटेड टू इस्लामिक. बट इन दोनों मूवमेंट्स में हमें दो चीज़ें ध्यान में रखती हैं. भक्ति मूवमेंट करते समय हमें ध्यान रखना है वी हैव टू कॉन्सेप्ट, वन इज निर्गुण एंड वन इज सगुण. निर्गुण विदाउट आइडियल एंड सगुण विद आइडियल्स. तो इन दोनों के हमारे पास दो दो एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, गुरु नानक देव और उधर से मीराबाई. तो हम ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से करेंगे.
देन वी हैव सूफी मूवमेंट. सूफी मूवमेंट इस्लाम रिलीजन में से निकला हुआ एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो किसी भी तरीके के रिजिडिटी फॉर्मुलेशन को नहीं मान रहा था. तो उस टाइम पर हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा कि हम सूफी में इस्लामिक पिलर्स को समझें, देन हम उनके पर्टिकुलर सिस्टम को समझें और उसमें से निकलने वाले सूफीज की डिफरेंट आइडियोलॉजी क्या है उसको हम अच्छे से कर जाएं. सूफीज के करते समय हमारे लिए दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, सूफीज कौन थे और उनके डिफरेंट सिलसिलास के नाम क्या थे, और सेकेंड क्वेश्चन उनके सिलसिलास के साथ साथ वो कहाँ रहते थे और क्या उन्होंने स्टेट की पैट्रोनेज ली या नहीं ली. उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. देन वी हैव अनदर थीम दैट इज़ रिलेटेड टू विजयनगर. विजयनगर के भी हमारे पास तीन ही लार्ज क्वेश्चंस हैं. अगर आप इन तीन लार्ज क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं आपके 1 मार्कर और 4 मार्कर उसमें कवर हो जाते हैं. साथ ही इसमें से मैप के भी 2 पॉइंट्स आ सकते हैं. विजयनगर के बारे में पढ़ते समय हमें इसके रिटन सोर्सेज को ध्यान में रखना है और ट्रेवल अकाउंट्स को, लाइक कृष्णदेव राय का अमुक्ता माल्याद जो उसकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स नज़रअंदाजी रखते हैं. तो प्लीज डोंट डू इट क्योंकि अब एमसीक्यू में ये क्वेश्चन भी आ सकता है. और साथ ही साथ ट्रेवलर अकाउंट्स कौन कौन से थे, कौन कौन से ट्रेवलर्स उस टाइम पर आए और बाद में आए, उनकी इन्फॉर्मेशन भी विजयनगर में हमें मिलती है. दिस इज अबाउट द सोर्सेज. नेक्स्ट इज अबाउट देयर सिस्टम, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उनके एग्रेरियन सिस्टम और उनके ट्रेड सिस्टम को देखकर लगता है कि विजयनगर एम्पायर जो थी वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कंडीशन में थी. तो हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि उनका वाटर रिसोर्सेज कैसे इस्तेमाल हो रहा था, उनके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, महानवाबी टिब्बा का क्या रोल है, रॉयल सेंटर्स में और कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं जो हमें ये डिटेल दे रहे हैं कि विजयनगर एम्पायर इतने टाइम तक क्यों चल पाई. हाँ, इसकी फाउंडेशन के बारे में मत भूलिएगा, दैट इज अबाउट द फाउंडेशन विच हैज बीन डन बाय हरिहरन बुक्का. सो मेनी क्वेश्चंस विल बी कवर्ड ड्यूरिंग दीज पर्टिकुलर 3-5 क्वेश्चन. नेक्स्ट टू टॉपिक्स विच आर रिलेटेड विद मुगल एम्पायर. डेफिनेटली जिन लोगों ने इस बुक को बहुत अच्छे से किया उन्हें अच्छे से पता है कि अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा विच पर्टिकुलर सोर्स इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट मुगल पीरियड, तो यू गॉट टू नो दैट इज अकबरनामा एंड रोल ऑफ अकबरनामा'स थर्ड पार्ट दैट इज आईने अकबरी विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज इट इज गिविंग ऑल द डिटेल रिलेटेड टू देयर फिस्कल सिस्टम. तो अब एग्रेरियन सिस्टम को जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा. इट इज रिलेटेड टू एग्रेरियन पॉलिसी, इट इज रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ लैंड एंड इट इज रिलेटेड टू देयर रेवेन्यू कैश और काइंड. तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना पड़ेगा और सीरियसली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन के साथ सब टॉपिक्स दिए हुए हैं. वन इज जमींदार, वन इज मिडलमैन, पेजेंट्री, नॉन लैंड पेजेंट्री. तो आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे. खुद कास्ट पाही कास्ट क्या होता है, जमा और हासिल क्या चीज थी, रेवेन्यू कलेक्शन का 1/10 क्या चीज थी और उसमें एडिशन शाहजहां ने बाद में जाकर 2 अस्फा क्या किया, तो आपको ये पता होना चाहिए. फिर एक क्वेश्चन आएगा सिल्वर फ्लो. सिल्वर या गोल्डन कॉइन्स का इस्तेमाल होना मीन्स कि वो पर्टिकुलर एम्पायर या वो पर्टिकुलर किंगडम जो है वो बहुत रिच है. तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट से आने वाला सिल्वर जो था वो किस तरीके से मुगल एम्पायर की हेल्प कर रहा था. तो हमें 2-3 पॉइंट्स या साइट्स हमें याद करनी पड़ेगी. सो दिस इज आवर सेकेंड बुक. नाउ वी आर कमिंग टू थर्ड बुक दैट इज रिलेटेड टू मॉडर्न इंडिया. मॉडर्न इंडिया का सिंपल सा लैंडमार्क कॉन्सेप्ट जो हमें समझ में आता है वो आता है कॉलोनियलिज्म. कॉलोनियलिज्म क्या है इसके बारे में हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को डेफिनेटली पता होना चाहिए. ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड हो जाती है. उसके साथ साथ धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हमारे ऊपर पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ले लिया तो वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म माना गया. फर्स्ट टॉपिक में वो डिस्कस कर रहे हैं कि कंट्री साइड यानी कि वो एरिया जो मेन एरिया से थोड़ा हट के था जहाँ पर बहुत सारे ट्राइब्स रहते थे या कम्युनिटीज रहती थी उनके साथ अंग्रेजों का कैसा संबंध रहा. तो हमें यहाँ पर एक सोर्स नज़र आ रहा है दैट इज बुकानन. बुकानन हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो जब जब कंट्री साइड एरियाज में डिफरेंट जंगल्स में गया, फॉरेस्ट लैंड के लोगों से मिला तो उसको क्या रिस्पॉन्स मिला. पहाड़ियाज और संथाल्स दो ट्राइबल कम्युनिटीज की केस स्टडी है, आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कॉटन बूम.
cotton boom is not too much important to us, but how India played an important role in that, that is compulsory to do. Last is about their references, fifth report and Deccan report. इसके साथ साथ छोटे छोटे इवेंट्स दिए हुए हैं जहाँ पे वो हमें बता रहे हैं कि जब जब डेप की कंडीशन आती थी, पेजेंट्स हैं, जमींदार्स हैं या जोतेदार्स हैं, किस तरीके से उन अकाउंट्स को जला देते थे ताकि हमारे ऊपर लगे हुए रेवेन्यू या हमारे ऊपर लगे हुए इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन ही खत्म हो जाए. ये एक रेजिस्ट परफॉर्मेंस थी जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू रेबेल एंड राज. रेबेल एंड राज, इस टॉपिक को पढ़ते समय एकदम बच्चों को ध्यान आ जाता है सिक्स्थ में, फिर सेवन्थ में, फिर एट्थ में, फिर नाइन्थ में. हमने 1857 रिवोल्ट के बारे में पढ़ रखा है, झांसी की रानी की रेफरेंस सबको ध्यान रहती है. बट ट्वेल्थ में आकर हमें इसके दूसरे दो कॉन्सेप्ट को देखना है. व्हाट पर्टिकुलर रीजन वॉज इम्पॉर्टेंट टू ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट वॉज अवध. तो अवध का क्वेश्चन आप अच्छे से कीजिएगा. लास्ट ईयर भी वो डिटेल में नहीं आया है, सो आई एम होपिंग इट विल डेफिनेटली कम इन टू द डिटेल. तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करना होगा. लाइक दे हैव मेंशन द चेरी विल कम इनटू आवर माउथ वन डे और लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी. सो दिस इज अबाउट नवाब एंड चेरी एज अ अवध. आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करना है क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो कवर कर रहा है सब्सिडरी अलायंस को. ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपनी पॉलिसीज को एम्प्लाय करते समय इन्हीं चीजों को ध्यान में रखा. एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, then revenue settlements, the permanent mahalwadi and the rayat settlement which they have gone to impose on us for the purpose of revenue collection. Next topic aapka aa jata hai hamare paas. ha sorry aapko ek cheez aur bataungi. 1857 mein ek topic aapka related hai painting se. paintings aapki as a paragraph bhi aa sakti hain, paintings as a one marker bhi aa sakti hain, so please do it seriously. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेंटिंग क्या शो कर रही है और किसने बनाई है, तो आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए. आपका नेक्स्ट टॉपिक है कॉलोनियल सिटीज. हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने यहाँ आते ही तीनों मेन कोस्टल एरियाज लाइक मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे, इन तीनों को अपना मेन फोर्ट एरिया बनाया. अब यहाँ आने के बाद धीरे धीरे अपना फोर्टिफिकेशन करना, देन अपनी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करना, ये उनका एक मेन रीजन था. उन चीजों को करते समय उन्होंने ध्यान में रखा कि हम दो चीजों का ध्यान रखेंगे. एक, हमारे रेजिडेंस जो है वो इंडियन रेजिडेंस से अलग हो. दूसरा, हमें किस पर्टिकुलर सिटी को ट्रेडिंग सिटी बनाना है, किस पर्टिकुलर सिटी को हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी बनाना है और किस पर्टिकुलर सिटी को हमने एंजॉयमेंट के लिए बनाना है. हमें वहां पर हिल स्टेशन की इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें वहां पर ब्लैक टाउन्स और व्हाइट टाउन्स की इंफॉर्मेशन मिलती है. हाँ, प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि आर्किटेक्चर को करते समय उन्होंने बहुत सारे यूरोपियन फॉर्मुलेशन को ही एक्सेप्ट किया, गोथिक और नियो गोथिक कल्चर को. आप ये चीज ध्यान से कर जाइएगा, अदरवाइज इसमें से निकलने वाले लार्ज क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं. वन मार्कर, टू मार्कर, मैक्सिमम फोर मार्कर, सो प्लीज डू इट केयरफुली. नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू थ्री कंसेक्यूटिव टॉपिक्स. दे आर रिलेटेड टू नेशनल मूवमेंट. इंडियन नेशनल मूवमेंट में फर्स्ट टॉपिक डिटेल कर रहा है महात्मा गांधी के रोल को. महात्मा गांधी के रोल को जैसे ही हम याद करते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, यू कैन मेक वन फ्लो चार्ट विद एनसीएम क्या है, सीडीएम क्या है और क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है. देन दीज आर द थ्री पर्टिकुलर टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रोल ऑफ गांधी एज वेल एज सम अदर थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट. उसकी कॉज क्या थे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई और उनके कॉन्सिक्वेंसिस क्या हुए. इन तीनों क्वेश्चंस को जब इस तरीके से आप करते हैं, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्लब होकर मिलती चली जाती है. और जब एक इंफॉर्मेशन आपने पेन डाउन कर ही रखी है, यू जस्ट हैव टू यूज़ वन ग्रीन, येलो एंड पिंक हाईलाइटर टू पुट दीज पर्टिकुलर थिंग्स इन योर माइंड, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू डू दैट. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन. रियली इट्स अ होलोकॉस्ट टू अस. जर्मनी का एग्जाम्पल देकर वो हमें समझा रहे हैं कि एक ऐसी मूवमेंट जो आज तक भी लोगों के दिलों से नहीं निकली कि पार्टीशन वॉज रियली वर्स टू अस. बट ठीक, जो हुआ हुआ, लेकिन उसको हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव के साथ समझते समय हमें ये देखना है कि उसमें इन्होंने मेन सोर्स की कौन सी बात की है. तो हमारे लिए मेन सोर्स उन्होंने किया ओरल टेस्टिमनीज. डेफिनेटली 1947 से लेकर 2019 तक हमें ओरल हिस्ट्री नहीं मिल सकती, लेकिन जो लिटरेचर उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है उसमें हमें बहुत सारे नेगेटिव और बहुत सारे पॉजिटिव टेस्टिमोनियल्स दिख रहे हैं. वो लोग जिन्हें कहीं ना कहीं से सहायता मिली और लोग जिन्हें कहीं से भी सहायता नहीं मिली, उनके एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किए गए. यू डोंट गो इनटू द डिटेल ऑफ इट, बट यू शुड नो
ताकि आपके ओरल हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स लिखते समय आप उनको एज अ एग्जांपल इस्तेमाल कर सके। फिर आपके दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, साथ ही साथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जेंडर के ऊपर कि विमेन को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर जाइएगा। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अ वेरी गुड टॉपिक एज इट इज रिलेटेड टू पोल साइंस ऑल्सो। ये टॉपिक करते समय हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें बिल्कुल नहीं भूलने हैं। डोमिनेंट वॉइसेस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद आने वाली डोमिनेंट वॉइस कौन कौन सी थी। सेकंड, हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों रखी जानी चाहिए थी। थर्ड, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की क्या इंपॉर्टेंस थी। एंड लास्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो दिस इज अबाउट द हिस्ट्री एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स मिल रहे हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, लाइक कि रीजनल लैंग्वेज पर द्रविड़ियन स्टेट्स क्या बात कर रही हैं, एनजी रंगा की क्या से है, या गोपाल कृष्ण गोखले क्या कहना चाहते हैं, वल्लभ भाई पंत क्या कहना चाहते हैं, जयपाल सिंह क्या कहना चाहते हैं, तो हमें वहाँ पर पता लगता है इट्स नॉट ओनली अबाउट दी रिजर्व कैटेगरी यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एज वेल एज अदर ट्राइब्स विच वर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ बेनिफिट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो उन्होंने भी वॉइस उठाई कि हमें भी शामिल किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के बेनिफिट्स के बीच में। तो ये पूरा के पूरा चैप्टर जो है आपके फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से डिटेल में कर जाता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स यू कैन डू इट वेल। रही बात की अब इसको वन डे पहले या एक हफ्ते के अंदर पूरे कोर्स को समअप करके हम कैसे रिवाइज कर जाए, तो इट्स बेटर यू गो विथ रेफरेंस बुक अरिहंत। उसमें आपको जो सैंपल पेपर्स दिए हुए हैं 10 सैंपल पेपर ऐसे हैं जो विद आंसर्स हैं, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड द आंसर हाउ टू राइट इट। देन देयर आर सम सैंपल पेपर्स विच आर विद ओनली द बुलेट्स, लाइक आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। And then the third section, which is dealing with non-solved papers. So it is the benefit for you. आप 5 papers solved कीजिए और 5 unsolved कीजिए। आपको अपनी ratio proportion में पता लग जाता है कि आप 80 marks के exam में कहाँ पर stand कर रहे हैं। पहले 3 papers करते समय you can take the help of your reference book, but लास्ट के 2 या 3 पेपर्स ऐसे कीजिए 3 घंटे के टाइम में आपको बुक्स ओपन करने की जरूरत ना पड़े। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कंसेंट्रेशन लेवल और आपकी अपेयरेंस आपके पेपर में डेफिनेटली नजर आएगी। ऑल द बेस्ट फॉर यू। आई एम डॉक्टर रचना फ्रॉम अचीवर्स।